केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा 1 अक्टूबर को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर कई परीक्षार्थी कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं। साथ ही इस संबंध में विभिन्न माध्यमों एवं सोशल मीडिया पर कतिपय अनियमितताओं की सूचनाएं एवं जानकारियां साझा की जा रही है। आपको बता दें कि वहीं आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा राज्य के सभी जिलों में दर्ज सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार से संबंधित सभी कांडों का अनुश्रवण प्रारंभ कर दिया गया है और उनके अग्रतर जांच एवं अनुसंधान हेतु एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है। अभी तक इस मामले में 61 प्राथमिकी विभिन्न जिलों में दर्ज किए गए हैं, उनका विवरण प्राप्त कर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त अन्य सूचनाओं का भी समावेश कर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही जिलों में दर्ज सभी कांडों को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। भविष्य में इस परीक्षा से संबंधित अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर उनका भी अनुश्रवण एवं अनुसंधान किया जाएगा। इन कांडों में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में पटना के रामकृष्णनगर थाना पुलिस ने 8 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 4 जाली आधार कार्ड और दूसरी चीजें बरामद की। गिरफ्तार लोग राज्य के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने पूछताछ के क्रम में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। हालांकि दूसरे के बदले परीक्षा में बैठने के लिए उन्होंने कितनी रकम ली है, पुलिस इस बात की जानकारी लेने में जुटी हुई है। बता दें कि रविवार 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा में ली गई थी। 21,391 पदों के लिए एक परीक्षा हो रही है। अगली परीक्षा 7 अक्टूबर को होनी है। पहले दिन की परीक्षा को लेकर पेपर लीक की भी खबरें सामने आ गई। इन सबके बीच विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसके सिंगल ने दावा किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सिंगल ने कहा है कि 1 अक्टूबर को आयोजित हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को आयोजित की गई परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हुआ था। हालांकि पूरे बिहार में 529 परीक्षा केंद्रों से कदाचार में लिप्त करीब 150 अभ्यर्थियों को पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर एसके सिंगल ने बताया कि अब केंद्रीय चयन आयोग ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो परीक्षा सेंटर पर ले जाने वाले तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इससे परीक्षा सेंटर में ले जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। बता दें कि पेपर लीक से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू एक्टिव हो गई है। ईओयू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।